फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज कहना चाहते हैं, अगर आप सॉल्ट वाटर हॉबी में आना चाहते हैं या फिर अगर आप हैं तो ये वीडियो बहुत ही जरूरी है आपके लिए, मतलब रॉक क्योरिंग की, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं रॉक क्योरिंग पे ध्यान नहीं देते हैं और फिर अपने टैंक सेटअप कर देते हैं, अपने नाइट्रेट और फॉस्फेट से लड़ते रहते हैं, फिर क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद फिर वो इस हॉबी से बाहर चले जाते हैं क्योंकि उनके नाइट्रेट और फॉस्फेट कंट्रोल में नहीं आते हैं। अगर आप 2 महीने या फिर महीने भर के लिए इस हॉबी में आ रहे हैं तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए इस हॉबी में आना चाहते हैं और अपने टैंक को सक्सेसफुली रन करना चाहते हैं तो वीडियो पूरी देखिएगा, हम बस यही कह सकते हैं। तो ये वीडियो पूरी लास्ट तक देखिएगा, हमने एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताई है, तो कोई पार्ट स्किप ना करिएगा। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्वेरियम हॉबी और मैं काविश के साथ, एंड टुडेस टॉपिक इज हाउ टू क्योर रॉक्स। तो फ्रेंड, आज हम लोग बात करेंगे रॉक को क्योर क्यों करते हैं, इसको करना क्यों जरूरी है और ये क्यों करा जाता है और ये मेथड होता क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जब तक हम लोग क्योर क्यों करते हैं और कौन से रॉक को करते हैं। एक्चुअली फ्रेंड्स, क्योरिंग जो होती है वो इसलिए हम लोग करते हैं क्योर को रॉक, क्योंकि रॉक होता है वाइल्ड होता है, मतलब कि ये इस पे जितने भी वाइल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि काफ़ी सारे बैक्टीरिया, पैरासाइट्स और भी काफ़ी सारे मतलब कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ओशंस वगैरह में, वो सब इसके ऊपर होते हैं, तो वो हमें नहीं चाहिए होते हमने टैंक के अंदर, ताकि फ्यूचर में कोई भी मतलब कि हमें परेशानी ना हो, तो उसके लिए हम लोग रॉक को क्योर करते हैं। तो हम लोग आप लोग कहेंगे कि ये तो हम लोग को सारे रॉक को क्योर करना चाहिए। हाँ, सारे रॉक को आपको गर्म पानी में डाल के धो लिए तो साफ़ हो जाते हैं, बट ये क्या होता है, जो मरीन टैंक होता है इसमें हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं इस चीज़ पर। ऐसा काहे के लिए, क्योंकि अगर आप क्योर नहीं करेंगे तो सबसे पहली बात तो आपके बैक्टीरिया पैरासाइट्स जो हैं वो नहीं मरेंगे, वो सब साथ में आ जाएंगे आपके, और भी जो ऑर्गेनिजम्स होंगे, और बाद में परेशानी इसमें ये होती है जो इस पर एल्गी वगैरह डेड हो गई होती है और जो भी ऑर्गेनिज्म इसमें बैक्टीरिया वगैरह डेड हो गए होते हैं अंदर इतने टाइम से जो भी सूख रहा होता है, तो जब फिर उससे नाइट्रेट और फॉस्फेट की काफ़ी ज़्यादा मतलब कि स्पाइक होती रहती है, कभी डाउन हो जाता है, तो ये सब प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उसके लिए क्योर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग इसको चलिए क्योर करते हैं। तो क्योर हम लोग इसको कैसे करेंगे, तो क्योर करने के काफ़ी सारे मेथड होते हैं। आप नेचुरल मेथड से क्योर होने दें, उसमें आपको ये काफ़ी टाइम लगेगा, जैसे कि ऑलमोस्ट 2 महीने तक लग जाएंगे, 1 से 2 महीने लगेंगे आपको। आप पानी में डाल के उसको छोड़ दिए और फिर बस उसको पड़ा रहने दिया पानी के अंदर, पानी में एक पंप लगा दिया या वेव मेकर लगा दिया, फिर बस उसको छोड़ दिया आप इसको ऐसे ही, और बीच बीच में पानी चेंज करते रहिए 15 डेज के बाद ऑलमोस्ट, फिर ये क्योर हो जाएगा अपने आप ही। और लोग मेथड यूज़ करेंगे उसमें लोग यूज़ करेंगे एसिड। तो एसिड कौन सा यूज़ करना है, एसिड आपको वो वाला नहीं यूज़ करना है जो आपको मतलब कि हार्डवेयर स्टोर पे मिल जाता है, जो आप मतलब अपने टॉयलेट वगैरह में डालते हैं, वो वाला एसिड आपको नहीं यूज़ करना है। आपको यूज़ करना है सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड जो होता है वो आपको जनरल मर्चेंट की शॉप पर मिल जाएगा, थोड़ी आप ठीक ठाक दुकान पर जाइएगा, परचून की दुकान जिसको कहते हैं वहाँ पर आप जाइएगा, वहाँ पर उसको कहिएगा सिट्रिक एसिड बोलेंगे वो समझ नहीं पाएगा, अगर उसके पास सही एजुकेशन नहीं है तो, अगर एजुकेशन है तो समझ जाएगा। तो जब आप उससे कहिएगा भैया हमको टाटरी चाहिए, टाटरी आप लोगों ने नाम सुना होगा, आप लोग अपने घर में अपनी मम्मी वगैरह से पूछ लीजिएगा या किसी लेडीज से या पापा से, तो बता देंगे कि टाटरी क्या होती है। तो जो टाटरी होती है वो ये होता है, देख सकते हैं आप, टाटरी सिट्रिक एसिड, देख सकते हैं आप, ये टाटरी का पैकेट है, ये देख सकते हैं आप टाटरी का पैकेट है, ऐसा होता है, इस पर लिखा होता है सिट्रिक एसिड लिखा हुआ है, देख सकते हैं इस पर लिखा हुआ है सिट्रिक एसिड लार्ज केयर। तो ये सिट्रिक एसिड है, ऐसे में 2 पैकेट लिए, ये आधा आधा किलो के 2 पैकेट हैं, ये हमको 180 रुपीज़ के दोनों मिल गए। तो जो है ये एक्चुअली ये जो होता है सिट्रिक एसिड, इसको हम टाटरी कह सकते हैं। वैसे हम गए थे, हमने वहाँ पर कहा टाटरी हमको चाहिए, तो उन्होंने कहा क्या करना है, उन्होंने कहा कि 10 रुपए की 100 ग्राम है, हमने कहा हमको 1 किलो चाहिए, कहने लगे 1 किलो क्या करोगे, तो जब हमने बताया हमको पत्थर धोना है, तो उन्होंने कहा भैया टाटरी नहीं साटरी होती है, तो उन्होंने हमें ये दिया साटरी, कहने लगे काफ़ी एसिडिक होती है तुम्हारा काम हो जाएगा, तो उन्होंने साटरी कह के हमको दिया है। बट आप लोग देख लीजिए इस पर यही लिखा होगा, सिट्रिक एसिड ही लिखा होगा, तो आप लोग को वो लाना है, आपका इससे क्योर हो जाएगा। और फिर हम लोग ब्लीच यूज़ करेंगे, तो ब्लीच भी काफ़ी सस्ती होती है, वो भी आपको जनरल मर्चेंट की शॉप पे मिल जाएगी। तो चलिए क्योर करना शुरू करते हैं, इनको भी साइड में रख देते हैं। एक्चुअली ये जो जिस एंगल पे हम बैठे हैं, इस एंगल पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि सब तरह रॉक फैले हुए हैं, और जो हार्डस्केप है ये भी टेम्परेरी, इसको भी बाहर निकालना है, फिर इसको क्योर करेंगे सारे रॉक को हम लोग, फिर उसके बाद में अपनी सारे रॉक को बाहर निकालेंगे, फिर इनको बाहर लेके चलेंगे, फिर क्योर करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए टाइम लैप्स में चलते हैं, पहले अपने सारे रॉक थोड़े थोड़े क्लीन कर लेते हैं ब्रश से, फिर आगे का काम करते हैं। तो चलिए रॉक निकाल लेते हैं अंदर के, पहले उससे पहले आप लोगों को नीचे दिखाते हैं, लुक सब तरफ देख सकते हैं रॉक पड़े हुए हैं मेरे। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं क्लीन कैसे करना है।
देगी तो थोड़ा थोड़ा आप लोगों को वाइट दिखेगा ये। तो फ्रेंड्स जैसा कि लोग देख सकते हैं उन्हें टेरेस पे हैं और इधर देख सकते हैं मेरे पीछे ये अलग टैंक रखा हुआ है। इसकी डायमेंशंस हैं ये 4x18x18 इंच है, तो मतलब 4 फीट बाई 1.5 फीट है। और उसके पीछे एक बकेट भी रखी हुई है, तो दोनों में देखते हैं कितना रॉक आ जाएगा मेरा। और फिर अपना क्योरिंग अपनी स्टार्ट करते हैं, पहले रॉक रख देते हैं फिर अपना वाटर फिल करेंगे फिर अपनी क्योरिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए अपने रॉक ले आते हैं। तो चलिए अब इसमें अपने वाटर फिल होने देते हैं, थोड़ी देर लगेगी वाटर फिल होने में। फिर हम इसमें अपना सिट्रिक एसिड डालेंगे। तो चलिए जब तक इसमें पानी फिल हो रहा है, हम लोग ये जो अपनी टाटरी है सिट्रिक एसिड, इसको इसमें मिक्स कर लेते हैं वाटर में, क्योंकि इसमें तो मिक्स कर नहीं पाएंगे, क्योंकि देख सकते हैं थोड़ी सी मोटे ग्रेन्स हैं इसके, जैसे कि शक्कर वगैरह नहीं होती अपनी। तो उसको मिक्स करना पड़ेगा। इसको मिक्स करना शुरू करते हैं इसके अंदर, और वाटर हम लोग इसी में फिल होने देते हैं। जब तक ये इसमें फिल होगा तब तक हम लोग का मिक्स हो जाएगा ये। तो अपनी हो गया।
बस थोड़ा सा वाटर और फिल हो जाए फिर हम लोग इसमें डालते हैं अपना। ये आधा पैकेट हमने बचा लिया, आप लोग देख सकते हैं आधे से ज़्यादा ही है क्योंकि अभी वाले भी बकेट बची है, उसमें देखते हैं अभी कितना रहेगा, कितना डालना पड़े उसमें पता नहीं अभी, तो अभी थोड़ा बचा लिया है हमने। तो फ्रेंड्स अपना ये वाटर फिल हो चुका आप लोग देख रहे हैं, अब चलिए इसमें डालना शुरू करते हैं अपना ये सिट्रिक एसिड। और इस पानी का उधर लगा देते हैं अपने बकेट में। तो अब सिट्रिक एसिड को लाइम स्टोन से रिएक्ट होने देते हैं और आप लोग को दिखाते हैं पास से। आप लोग देख सकते हैं कैसे बबल्स निकल रहे हैं पूरे में, देख सकते हैं पूरा जो वाटर है वो येलो होने लगा है, देख सकते हैं पूरा वाटर येलो होने लगा है, सब में से बबल्स निकल रहे हैं। ऊपर से भी देख सकते हैं कैसा लग रहा है पूरा वाटर। और भैया ये बकेट भी ऑलमोस्ट फुल हो ही गई है, तो भी फिल हो जाने देते हैं, प्रेस में भी करेंगे यही क्योंकि अभी अभी अपना इतना पैकेट बचा है, आधा पैकेट बचा है अपना, डेढ़ पैकेट इसमें लग गया तो आधा पैकेट उसके लिए सही रहेगा। वाटर ऑलमोस्ट मेरा फिल हो चुका है और इसके लिए भी अब चलिए बना लेते हैं सॉल्यूशन अपना। तो वही सेम मेथड अपना सिट्रिक एसिड इसमें डाल लेते हैं। मिक्स कर लेंगे इसको और फिर डाल देंगे। तो बस अब इसको आधा घंटा ऐसे ही होने देते हैं, रिएक्ट करने देते हैं इसको एसिड को लाइमस्टोन से, फिर आएंगे थोड़ी देर के बाद और देखेंगे क्या अपडेट है इसका।
तो फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं आज हमारा थर्ड डे, मतलब कि एक दिन तो हमने वाला मेथड यूज़ कर रहा था सिट्रिक एसिड वाला, एक डे मेरा वो हो गया था, उस दिन हमने 100% वाटर चेंज कर दिया था, और फिर उसके बाद में नेक्स्ट डे फिर हमने कल मतलब कि यस्टरडे हमने इसका वाटर चेंज करा था, कल भी हमने 100% वाटर इसका निकाल दिया ताकि जितना भी सिट्रिक एसिड हो सब पूरा क्लीन हो जाए। आज हमारा थर्ड डे है, आज हम लोग इसमें ब्लीच डालेंगे, तो ब्लीच जो है वो हम लोग इसे डालेंगे क्योंकि देख सकते हैं कुछ जो पत्थर है वो सही से क्लीन हो गए हैं, मतलब वाइट हो गए देख सकते हैं आप लोग, और कुछ जो रॉक्स हैं उस पर अभी भी एल्गी वगैरह लगी हुई है देख सकते हैं आप लोग, ये एल्गी ऐसे नहीं क्लीन होगी, इसके लिए हम लोगों को इसमें वो डालना पड़ेगा, ब्लीच डालना पड़ेगी। जो ब्लीच है ये हम लोग ब्लीचिंग पाउडर यूज़ करेंगे, ये आपको ईजी मिल जाएगा जनरल मर्चेंट की शॉप पे, ये कपड़े धोने के लिए काम आता है, तो हम लोग ब्लीचिंग पाउडर लाएंगे, हमको 50 रुपीज़ केजी मिला, उसको हम लोग हॉट वाटर पहले मिक्स करेंगे, ये वाटर भी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर है क्योंकि छत पर रखा हुआ और यहाँ पर गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, तो पहले अपना वाटर बॉयल कर लेते हैं हम, फिर लेके आते हैं, फिर हम ब्लीचिंग पाउडर मिक्स करेंगे, फिर आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो अपना बॉइलिंग वाटर हम ले आए, आप लोग देख सकते हैं, इसको ओपन करते हैं और अब इसमें अपनी ब्लीच डालेंगे हम लोग। ये देख सकते हैं ये 1 kg ब्लीच लाए थे और इसको डाल लेते हैं इसमें। इसको इसमें डालते हैं, हम लोग इसको पड़ा रहने देंगे और आप लोग को अपडेट देते हैं जैसा भी रहेगा। ऑलमोस्ट 1 वीक तक इसको ऐसे ही रहने देंगे और देखते हैं जैसा भी कल रहता है आप लोग अपडेट करके देंगे कैसा है। सो फ्रेंड्स आज डे 2 है ब्लीच डाले हुए, आप लोग देख सकते हैं कैसा इसका है, ऊपर से देख सकते हैं पूरी एक फिल्म जैसी जम चुकी है पूरे में। ये फिल्म तो मेरे ख्याल से ये ब्लीच की वजह से नहीं है, ये रॉक की वजह से ही है, इसका कैल्शियम जो मतलब कि टूट रहा है, और ये देख सकते हैं इधर से क्या हाल है, पूरे में ब्लीच ही ब्लीच आपको दिखेगी, नीचे ये लेयर दिख रही होगी ऑलमोस्ट 1 inch की लेयर है ये ब्लीच की, और पूरे में फोम जैसी ब्लीच पड़ी हुई है सारे रॉक्स के ऊपर और हर चीज़ पे, ये देख सकते हैं आप, और पूरा वाटर ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट है बट आपको हर जगह क्लाउडी ब्लीच दिख रही होगी, इसको ऐसे ही पड़ा रहने देंगे। और ऊपर ये जो आप लेयर देख रहे हैं ये थोड़ी सी हार्ड सी लेयर है, इसको तोड़ते हैं तो मतलब कि लोग आवाज़ सुन सकते हैं, ये देख सकते हैं आप कैसी है। तो बस यही थी आज की अपडेट, अब एक दिन और वेट करेंगे, आप लोग को कल की अपडेट देते हैं। और ये कुछ रॉक्स रखे हुए हैं जिसमें सिर्फ हमने सिट्रिक एसिड डाला था और इसमें हमने ब्लीच नहीं डाली है, और ये कुछ रखे हुए हैं जिसमें हमने सिर्फ ब्लीच डाली है और सिट्रिक एसिड नहीं डाला है। तो बस यही थी आज की अपडेट। सो आज हमारे 5 to 6 days हो चुके हैं इसको ब्लीच में पड़े हुए, ऐसे आप लोग देख सकते हैं कैसा हो रहा है, ये पूरे पे ब्लीच सी है पाउडर जैसी। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग ये वाला वाटर जितना इसको पूरा खाली कर देंगे हम लोग, मतलब कि निकाल के फेंक देंगे, और इसको फिर फ्रेश वाटर से हम लोग इसको धोएंगे और फिर इसको ड्राई करेंगे। तो चलिए इसको पहले धोना शुरू करते हैं, मतलब वाटर पहले निकालते हैं फिर आगे की बात करते हैं।
क्या लो, पहले तो कितनी ज़्यादा एलगी थी, पूरा ग्रीन ग्रीन सा हो रहा था, बट अब तो काफ़ी क्लियर है, आप लोग देख सकते हैं इस पर कोई भी एलगी नहीं है, ब्लीच ने सारी एलगी हटा दी है। तो चलिए फिर ऐसे सारे निकाल लेते हैं और फिर सबको क्लीन कर लेते हैं अपना। ये देख सकते हैं जैसे कि ये है, थोड़ा सा येलो सा हो रहा है, ये देख सकते हैं थोड़ा सा येलोइश सी है, ये सब डेड एलगी वगैरह है, इसको तो धो लेंगे तो क्लीन हो जाएगा। और ज़्यादा देर तक आप लोग ब्लीच को होल्ड ना करिएगा जैसे कि हम कर रहे हैं, और इसको फ़ौरन हम हैंड धो लेंगे अपने, वरना फिर आपको इचिंग वगैरह हो सकती है। जितनी भी अपनी डेड एलगी वगैरह उसको अपने ब्रश से क्लीन कर लेंगे और फिर अपने रॉक्स काफ़ी क्लीन हो जाएंगे। फ्रेंड्स आप लोग को ये वाला रॉक याद होगा कितना गंदा था, ये पूरा ब्लैक था, अब कितना ज़्यादा मतलब कि इस पर सारी गंदगी हट चुकी है। चलिए इसको वॉश कर लेते हैं फिर आप लोगों को दिखाते हैं। एक्चुअली हमने इसको यहाँ पर इसलिए मूव करा क्योंकि यहाँ पर मेरा रूम है और यहीं से डायरेक्ट वायर लेंगे, क्योंकि अब इसको फ्रेश वाटर में हम इसको फिल करके रख देंगे और अपने रॉक्स को 4-5 डेज के लिए, फिर 1 वीक के लिए। तो क्या रहेगा कि जो इसमें अपना हम पंप या वेव मेकर लगा सकते हैं ताकि मतलब कि सर्कुलेशन इसके अंदर रहे, तभी जितनी गंदगी वो सब निकल जाएगी इसके अंदर से, सर्कुलेशन में रहेंगे वो रॉक्स, तो इसीलिए हम इसको यहाँ पर रखा है, मूव करा है। तो चलिए उसमें रॉक्स फिल कर देते हैं, फिर अपना वाटर फिल कर देते हैं फ्रेश वाटर। तो फ्रेंड्स आपने देखा मेरा वाटर फिल हो चुका है और हमने इसमें चारों तरफ मतलब स्पेस छोड़ी हुई है, ऑलमोस्ट 2-3 इंचेस का चारों तरफ गैप है इसमें। तो ये इसलिए तो अब हम इसमें पंप लगा देंगे, ऑलमोस्ट 4-5 डेज तक पंप ऑन रहेगा ऐसे ही फ्रेश वाटर में, और हम रोज़ का 100% वाटर चेंज करेंगे ताकि इसमें जितनी भी गंदगी है सब निकल जाए, फिर उसके बाद हम लोग टैंक में इंट्रोड्यूस करेंगे उसको ड्राई करने के बाद। तो बस वाटर फिल होने देते हैं इसमें और फिर इसमें पंप लगा देंगे और फिर पंप अपना ऑन कर देंगे। तो फिर तब इसमें पंप लगाएंगे, तो पंप आप देख सकते हैं ये हम चैम्पियन का, हम ये वाला जो मेरा पंप है ये एक्चुअली इसके साथ ये तो नहीं मिला हुआ था, खाली ये पंप था जो आप देख रहे थे, मेरा पंप वाला ख़राब हो चुका था, जो बार बार बंद हुआ जा रहा था मेरा पंप, वही वाला जो मेरे 200 गैलन टैंक में लगा हुआ, तो हमने उसको वापस करने गए थे, वो अंडर वारंटी था तो हम उसको बदला हमने, तो उन्होंने हमको ये दिया, ये दूसरा मॉडल है, बट उन्होंने कहा अब ये वाला आ रहा है। तो ये जो मेरे पास टूटी हुई लॉक लाइन पड़ी हुई थी, हमने इसके ऊपर लगा के देखा तो काफ़ी बिल्कुल फिट बैठ गई इसके ऊपर। तो चलिए हम लोग यही लगा देंगे और इसी से अपनी क्योरिंग शुरू कर देंगे। देख सकते हैं इसको हम ऐसे रख देंगे इसी में ही डायरेक्ट। और अपना पंप ऑन करके देखते हैं कैसा चल रहा है। तो देख सकते हैं आप लोग काफी अच्छा वाटर फ्लो हो रहा है इससे।
तो फ्रेंड्स आज हमारे 6 डेज हो चुके हैं इसको ऐसे नॉर्मल वाटर में साइकिल होते हैं, मतलब फ्रेश वाटर में ऐसे पड़ा हुआ है। बस हमने क्या करा है इसका, हर 24 आवर्स में इसका 100% वाटर चेंज करा है। वो हमने शूट नहीं करा क्योंकि वीडियो ऐसे इतनी लंबी हो चुकी है, ऑलमोस्ट 20 मिनट्स की हो चुकी है, और लंबी हो जाती है तो फ़ायदा नहीं है। तो हमने इसका रोज़ 100% वाटर चेंज करा है, मतलब अब तक इसका हम 6 बार वाटर चेंज कर चुके हैं। तो मेरे अब आप लोग देख सकते हैं काफ़ी वाटर भी क्लीन है, उसमें गंदगी वगैरह कुछ नहीं उड़ रही है। और पंप हमने एक दिन इस साइड लगाया पंप, और एक दिन फिर इस साइड लगाया, तो उससे ये हुआ कि मतलब रैंडम वाटर फ्लो होता रहा, तो पत्थर सही से मेरे क्लीन हो चुके हैं सारे रॉक्स। और तो बस आज क्या करना है, आज हम सारे रॉक्स मतलब इसका वाटर ड्रेन कर देंगे, और रॉक्स को निकाल के इसको हम बाहर पानी में मतलब कि बाहर इसको रख देंगे धूप में, और इसको ड्राई होने देंगे 1 या 2 दिन तक, या फिर आप डायरेक्टली भी अपने टैंक में रिड्यूस कर सकते हैं इसको। अब ये बिल्कुल सही हो चुके हैं, बट हम इनको अभी धूप में रख देंगे, फिर इसका हार्डस्केप करना है। तो चलिए अपना वाटर ड्रेन कर लेते हैं और इन पत्थरों को बाहर निकाल देते हैं। तो देख सकते हैं मेरे रॉक पीछे पूरे क्योर हो चुके हैं और ड्राई हो रहे हैं। और जो हमने 2 और एक्सपेरिमेंट करे थे, तो ये था जिसमें सिर्फ ब्लीच डाली हुई थी, तो ये देख सकते हैं ये भी सही है, इस पर कोई भी एल्गी वगैरह नहीं है। और जो दूसरा जो था जिसमें हमने सिर्फ मतलब कि सिट्रिक एसिड डाला था, आपको वो भी दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं आप सिट्रिक एसिड वाले का क्या हाल है, इसको आप लोग देख सकते हैं ध्यान से। तो आप लोग इसको ध्यान देख सकते हैं, सिट्रिक एसिड वाले पे एल्गी वगैरह है, यही बस नाइट्रेट और फॉस्फेट्स का यही आप लोग साफ रिजल्ट देख सकते हैं। एल्गी वगैरह ऐसी हो जाती है, अगर आप रॉक क्योर नहीं करेंगे तो बस आप फिर ऐसे ही परेशान रहेंगे और फिर लड़ते रहेंगे अपने नाइट्रेट और फॉस्फेट्स और एल्गी वगैरह से, तरह तरह की एल्गी और भी काफ़ी सारे इशूज़ वगैरह हो जाते हैं। तो हम यही सजेस्ट करेंगे कि अब हम बहुत सी चीज़ें सजेस्ट नहीं करते हैं, बट आज हम कहेंगे कि हम हाईली सजेस्ट करेंगे कि आपने रॉक को क्योर ज़रूर कर लें, और जो बैक्टीरिया वगैरह हैं वो सब फिर से दोबारा वापस आ जाएंगे। तो बस यही थी आज की वीडियो, आई होप यू हैव एंजॉयड माय टुडेज वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।